क्षेत्र में फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात का अयोध्या पुलिस ने कर दिया खुलासा। आपको बता दें कि अयोध्या पुलिस के खुलासे से दो बेगुनाह जेल जाने से बच गए। मामला थाना पूरा कलंदर क्षेत्र का है, जहां 1 अगस्त को एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसे गोली मारकर 2.5 लाख रुपए और उसकी मोटरसाइकिल लूट ली गई है। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। विपक्षियों को फंसाने के लिए युवक ने खुद को दाएं हाथ से बाएं हाथ में गोली मारकर 2.5 लाख रुपए लूटने की सूचना पुलिस को दी थी। यही नहीं, इस वारदात में उसके दो दोस्त भी शामिल थे। दोनों दोस्त उसकी मोटरसाइकिल लेकर फरार हुए थे, ताकि मोटरसाइकिल की भी लूट की सूचना दी जा सके। पुलिस ने खुलासा करते हुए खुद की गोली से घायल साजिशकर्ता आयुष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो दोस्त उसके अभी भी फरार चल रहे हैं। अभी पुलिस को मोटरसाइकिल भी बरामद करनी है। बताया जा रहा है कि तारू थाना क्षेत्र के नागपाली निवासी आयुष वर्मा उसके विपक्षियों से पुरानी रंजिश चल रही थी। विपक्षियों को फंसाने के लिए युवक आयुष वर्मा ने अपने दो साथियों के साथ साजिश रची और 1 अगस्त की शाम 7:30 बजे खुद को गोली मारी और पुलिस को सूचना दी थी कि उसे गोली मार कर उसे 2.5 लाख रुपए व उसकी मोटरसाइकिल लूट ली गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 1 तारीख को शाम में 7:30 बजे थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के कुड़री गांव के पास एक व्यक्ति ने षड्यंत्र के तहत अपने आप को गोली मार के अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र बनाते हुए अपने आप को गोली मार के स्वयं से 2.5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल की लूट की सूचना पुलिस को दी थी। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम एक्टिव हुई। पुलिस की कई टीमें इस पूरे घटना के अनावरण में लगी और इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। और जो व्यक्ति जिसने स्वयं को गोली मार के दो अन्य लोगों को फंसाने का प्रयास किया था, जिनसे इसकी पुरानी रंजिश थी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो असलहा इसने स्वयं को गोली मारने के लिए इस्तेमाल किया था, उस असलहे को भी बरामद किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, इसने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएँ हाथ पर गोली चला के ये सूचना दी थी। इसके दो अन्य साथी जो वहाँ से मौके से इसकी मोटरसाइकिल षड्यंत्र के तहत लेके वहाँ से निकले हैं, वो अभी फरार हैं। जल्दी हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे, साथ ही साथ उस मोटरसाइकिल की भी बरामदगी सुनिश्चित कराएंगे। इस तरह दो निर्दोष लोगों को फंसाने के उद्देश्य से इतनी सनसनीखेज घटना की सूचना देकर सनसनी फैलाने वाले इस अपराधी को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज रही है।